गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ ए. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर टू. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सुनामी. ऑल द स्टूडेंट टेक आउट योर बुक एंड रीड इट विद मी. तो बच्चों टुडे आई एम गिविंग यू होमवर्क. राइट डाउन द वर्ड मीनिंग इन योर नोटबुक. ये वर्ड मीनिंग जो है आपकी बुक में दी हुई हैं. आप लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप वर्ड मीनिंग अपने आप लिख लेंगे. उसके बाद मैं आपको चैप्टर रीड कर रही थी. इसके पहले मैंने आपको चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसको रीड कर दिया था. इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर छापने थे कॉम्प्रिहेंशन चेक के. आप लोगों को इसी से सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे. देखिए बच्चों हमने आपको भी टिक नहीं लगवाए थे. कोई बात नहीं, आज हम आपकी चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की टिक लगवाते हैं. ठीक है, आइए चैप्टर रीडिंग कर रहे हैं. तो आज हमारा सेकंड पार्ट आया. ठीक है, हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था. फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हो गया था. अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगली टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री. अलमास मदर और उसकी आंटी जो थी वो कोकोनट यानी नारियल के पेड़ के पत्तों से चिपकी हुई खड़ी थी. कॉलिंग आउट टू हर और उसे बुला रही थी. अ वेव अपरूटेड द ट्री. एक लहर आई और वो पेड़ को जड़ से उखाड़ कर ले गई. एंड दे टू वर वॉश्ड अवे और वे भी ऊपर से लेकर नीचे तक उसमें नहा गए यानी डूब गए. उसी में वो भी डूब गए. अलमास सा ए लॉग ऑफ वुड. अलमास ने एक लकड़ी का टुकड़ा देखा फ्लोटिंग माने बहता हुआ. सी क्लाइम ऑन द ऑन इट. वो उस पर बैठ गई. सी एंड देन सी फेंटेड. फिर वो बेहोश हो गई. वेन सी वो कब जब उसकी आँख खुली. सी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता. वो कमोरता के अस्पताल में थी. फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर. वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर के अस्पताल में ले जाई गई. द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट. वो छोटी लड़की थी वो फिर किसी से भी इस घटना के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती थी. सी इज स्टिल ट्रॉमाइड. वो बहुत अधिक ऐसी थी सॉल्व हो गई थी. चलिए बच्चों अब आइए हम आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. और कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर आप घर में ट्राई करिएगा कि कैसे निकाले जाते हैं. जो मैंने आपको पहला पार्ट पढ़ाया आप एक एक क्वेश्चन उसी से छांटेंगे, छांटना सीखेंगे. आज प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपने घर में कि जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है इसके क्वेश्चन आंसर आप फेल में करेंगे नहीं, लेकिन आप इसको चेक करिए कि आपको करना आता है कि नहीं. सभी लोग ध्यान सुनिए, आप अपने आप निकाल कर रख में करेंगे इसको पहले. आज आइए सेकेंड पार्ट आइए आइए. हाँ, टिली स्मिथ जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स वेन द सुनामी स्ट्रक फ्लैक बीच इन द थाईलैंड. जो टिली स्मिथ लड़की थी एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है वो जो थी उसने कई लोगों की जानें बचाई थी. कब? जब सुनामी जो है वो थाईलैंड के फुकेट बीच पर आई थी. सुनामी जो थी वो थाईलैंड के फुकेट बीच पर आई थी तो उसने कई लोगों की जान बचाई थी. कौन? ये टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश लड़की है. दो सी वाज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स. यद्यपि उसको असम के इनाम भी दिए गए हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन. और उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसकी लड़की जो है वो टेलीविजन पर लोगों के इंटरव्यू में जाए और एक या मेड इंटू अ हीरोइन या हीरोइन बने. व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. आप क्या सोचती हैं कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया. नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अब यहाँ पर थाईलैंड की ये एक स्टोरी है. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसॉर्ट. अब ये स्टोरी शुरू हुई है. एक लड़की है जिसका नाम है टिली नाम है जो कि एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है. उसने कई लोगों की जान बचाई और बहुत सारे इनाम भी उसको मिले, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो जाके लोगों को टेलीविजन के सामने अपने इंटरव्यू दे और लोग उससे पूछो इसको हीरोइन बनाए. नहीं चाहते थे वो लोग. अब वो उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया उनके पेरेंट्स से इसके बारे में आपकी स्टोरी सुनिए. नाउ देयर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. मिस्टर स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट ऑफ सदर्न साउथ थाईलैंड. वे दक्षिणी थाईलैंड के बीच रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे थे. कौन? स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से. इस
स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी वो सदर्न आइलैंड पे यानी दक्षिणी थाईलैंड पे एक रिसोर्ट पे वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे थे। टिनी स्मिथ वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल और टिनी स्मिथ जो थी वो 10 साल की स्कूल की लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड और उसकी बहन जो थी वो 7 साल की थी। टिनी स्मिथ कितने साल की थी? 10 साल की। उसकी बहन कितने साल की थी? ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन इन बिटवीन आते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत सीरियसली पढ़िए पेपर। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, चार की बात है। डिज्नी सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, बड़ी भयंकर सुनामी की लहरें जो थी वो आई। दे हैव बीन ट्रिगर्ड बाय द मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उस समय सुबह का बिल्कुल समय था, सुमात्रा से लहरें बहुत तेज भयंकर अर्थक्वेक यानी भूकंप यानी उछाल आ गया। द वाटर वॉज ट्रेनिंग एंड केप्ट कमिंग इन, वह पानी जो था वो एकदम उछाल मार के उन लोगों के पास तक आ गया। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ ने याद दिलाया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, देखो ये समुद्री किनारा कितना छोटा होता जा रहा है क्योंकि पानी जो था वो आगे तक बढ़ता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंसेड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को ये लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन, अब उसका दिमाग वापस एक ज्योग्राफी यानी एक भूगोल के लेसन की ओर गया। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने दो हफ्ता पहले इंग्लैंड के बारे में उसी मैप में देखा था। बिफोर सी फ्लू आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड जाने से पहले 2 हफ्ते पहले उसने मैप में जो लेसन लिखा ये चीज जो थी वो देखी थी। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो समुद्री लहरें हैं बहुत धीरे धीरे उठ रही हैं एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और वो आगे मतलब फॉर्म के बुलबुले के रूप में बढ़ती जा रही हैं। बबल्स एंड फ्रॉम द वर्लपूल, और धीरे धीरे उन जो बुलबुले थे उन्होंने पूरी तरीके से इसका उसका पानी के बवंडर का रूप ले लिया। सी रिमेम्बर दैट, उसे याद है दैट सी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी, उसे याद है कि उसने सुनामी के एक वीडियो में क्लास में इसे देखा था। दैट हैड हिट द हैवेनियन आइलैंड इन 1946, जैसे ये लहरें 1946 के हैवेनियन आइलैंड में भी आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैज सोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे याद है कि उसने सुनामी के बारे में वीडियो क्लास में देखा था मैडम ने, जो पहले कभी 1946 में आया था इस तरह का, तो टीचर ने उसको वीडियो के माध्यम से दिखाया था। कहते हर ज्योग्राफी टीचर हैड सोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसे क्लास में वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम और उन्हें बताया था दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, कि सुनामी जो है वो भूकंप के कारण आती हैं। वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स, जो ये वो होते हैं जो स्लाइड लैंड गिरते हैं, जो आपके पठार गिरते हैं, पहाड़ जो है टकरा के गिरते हैं और आपकी सुनामी है और उसके साथ आपका ये वोल्केनोस है ज्वारभाटे हैं, ये सब क्यों आते हैं? ये सब इसी के कारण आते हैं। आगे देखिए, टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली, अब टिली जो थी वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगी, चीखने लगी, टू गेट अप ऑफ द बीच, की अब समुद्री किनारे पर नीचे आ जाइए। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो समुद्र के अंदर के ज्वार भूकंप के बारे में बात कर रही थी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, वो अधिक और अधिक उत्तेजित यानी पागल होती जा रही थी, वो नहीं रही थी जैसे पगलाते हैं लोग ना हिस्टीरिया के, आपको पढ़ा है हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, उसी तरीके से वो और पागल मतलब परेशान हो रही थी कस के हिस्टीरिकल। सेड हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा, सेड हर मदर सी गॉट, वो माँ से कहा, पेनी आई डिड नॉट नो वॉट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लड़की ने वीडियो देखा था क्लास में, माँ ने नहीं देखा था तो माँ नहीं जानती थी, लड़की डर रही थी तो बुला रही थी जल्दी कि आप नीचे आइए, ले कहते कि मैं मुझे नहीं मालूम सुनामी क्या होती है, लेकिन मेरी डॉटर मेरी बेटी का ये भय देख कर मैंने सोचा कोई चीज़ बहुत ही गंभीर होने जा रही है। बेटी की हरकत देख के माँ को लगा कि कोई चीज़ बहुत गंभीर होने जा रही है। टिलीज पेरेंट्स टू हर, टिलीज के माता पिता ने उसको साथ लिया एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, और उसकी बहन को भी समुद्री किनारे से बाहर ले आए, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के एक स्विमिंग पूल पर आ गए।
ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और इन लोगों ने इसके पेरेंट्स, चिली के पेरेंट्स ने और उसकी बहन ने इन लोगों ने बीच जल्दी से छोड़ दिया और एक होटल के स्विमिंग पूल पर पहुंच गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद हिम विद देम, और बहुत सारे और टूरिस्ट ने भी इन्हीं लोगों के साथ वो बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उसके बाद तो पूरा जो समुद्री किनारा था सब लोग छोड़ के उसे बाहर आ गए। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं तेजी से चिल्ला रही थी दौड़ो दौड़ो। द फैमिली लुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, अब जब उनका पूरा परिवार था वो होटल की तीसरी फ्लोर में एज शरणार्थी की भांति चला गया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ द थ्री सुनामी वेव्स, जो बिल्डिंग जो थी वो तीन ये जो सुनामी वेव्स हैं इनके तीनों की बहुत तेजी से इसके ऊपर से जो है वो निकल गई। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो समुद्र किनारे पर खड़े होते कि दे वुड हैव नॉट बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं रह पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, अब स्मिथ्स बाद में उन लोगों टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरी पूरी फैमिली उस सुनामी में खो दी थी। अभी आप लोगों ने केदारनाथ का सुना था, कुछ दिन पहले हुआ था, सुना था ना कि पूरी पूरी फैमिली कार के साथ लोग खड़े हैं, अपने बच्चों के साथ खड़े हैं, एक किनारे खड़े हैं और सब उनकी कार आर सब बह गई। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि टीवी रियाज देखे हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन, स्मिथ ने बाद में और टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपने पूरे परिवार को इस सुनामी में खो दिया था। उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया एंड हर जोग्राफी लेसन, और उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया और उसके जोग्राफी लेसन के बारे में बताया। क्यों जोग्राफी लेसन के बारे में बताया? क्योंकि अगर उससे टिली ने जोग्राफी का लेसन ना पढ़ा होता कि सुनामी कैसे आती है, तो ना वो अपनी माँ को अलर्ट कर पाती और ना उसके और लोग अलर्ट हो पाते, क्योंकि उसने सुनामी के बारे में अपनी टीचर से पढ़ रखा था, इसलिए उसे उन्होंने धन्यवाद दिया टिली को दिया, क्योंकि टिली जो थी उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, सुनामी के बारे में पढ़ रखा था टीचर से, इसलिए उसे पता था, नहीं तो वो उनकी भी पूरा परिवार उसी के साथ बह जाता। आगे देखिए, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के फिर स्कूल में वापस गई एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी इस कहानी के बारे में उसने बताया। चलिए ठीक है, अब मैं अपना ये यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। टुमारो आई विल टीच पोयम नंबर सॉरी पार्ट नंबर थ्री ना पार्ट नंबर थ्री नाउ आई एम गोइंग ऑल द स्टूडेंट राइट डाउन राइट प्लीज प्रैक्टिस योर स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर यू हैव टू हाँ क्वेश्चन ऑल द स्टूडेंट लिसन टू केयरफुली यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ योर चैप्टर देन आफ्टर यू हैव टू मेक प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर विच आर स्ट्रैक्ट बेस्ड यू हैव बुक्स प्लीज रिटर्न द राइट द पैरा एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर ओके क्लास हाँ क्या कर रही है कि वो मुझे छोड़ने गई स्टेशन पर, उन्होंने कोई उन्होंने इमोशंस नहीं दिखाया, हालांकि भावुक हो रही थी लेकिन उन्होंने कोई इमोशन व्यक्त नहीं किया, और उनके हाथों पे मुंह पे उनके क्या चलता रहा वही जो पूजा करती थी वो चलते रहे, और हाथों पे उनके जो मोती चला करते हैं माला चला करती थी वो उनकी चलती रही। और हर साइलेंटली सी किस्ड मी फॉरहेड, उन्होंने बड़ी शांति से मेरे माथे को चूमा। व्हेन सी लेफ्ट चेरिश्ड मोस्ट इम्प्रिंट एंड परहेप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, उसे लगा कि शायद मेरी दादी माँ की बॉडी के और मेरे जो छूने के कॉन्टेक्ट था शायद ये लास्ट छाप थी, मेरे दादी माँ ने उसको माथे को चूमा, तो वो कह रहा है लड़का कि शायद ये दादी माँ का लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टेक्ट, हम लोगों के बीच शरीर को छूने का जो फिजिकल कॉन्टेक्ट था वो लास्ट चिन्ह था। बट दैट वॉज नॉट सो, आफ्टर 5 ईयर्स आई केम बैक होम
पांच साल में मैं वापस आया एंड मेट बाय हर एट द स्टेशन और मैं उनसे स्टेशन में मिला. सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. एक भी दिन मुझे वो बड़ी नहीं लगी. सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड एंड व्हाइल सी क्लास मी इन हर आर्म उन्होंने मुझे भुजाओं में भर लिया. आई कुड हियर हर साइन हर प्रेयर. मैं तब भी सुन रहा था जब वो अपनी प्रेयर करती जा रही थी. या एंड इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज. मैं इतने दिन बाद आया था सबसे प्रसन्नता का दिन था तब भी वो अपनी चिड़ियों को वही रोटी के टुकड़े करते हुए डाले जा रही थी. इवन इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर और शाम के समय उनके अंदर एकदम से परिवर्तन आया. सी डिड नॉट प्रे. वो आज वो प्रार्थना भी नहीं कर रही थी शाम को. आने के बाद किस्सा है शाम को वो प्रेयर भी नहीं कर रही थी. सी कलेक्टेड द वुमेन ऑन द नेबरहुड और उन जो पड़ोस की औरतें थी वो सब इकट्ठी हो गई थी. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने ढोलक बजा के गाना गाना शुरू कर दिया था. फॉर सेवरल आवर्स सी थंड एंड सैगिंग स्किन ऑफ द डिस्प्लेटेड ड्रम. वो शाम को काफ़ी देर तक उनका ढोलक वगैरह चलता रहा. सैंग एट द होम कमिंग ऑफ द वेरियर. सी हैड टू परसूड हर टू सूट द अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. मैंने पहली बार लाइफ में देखा था जब वो प्रेयर नहीं कर रही थी प्रार्थना नहीं कर रही थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इन. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. आई इट वॉज द माइल्ड फीवर हल्का सा बुखार था एंड द डॉक्टर टोल्ड अस और डॉक्टर ने बताया दैट इट वुड गो कि उनको फीवर है. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. मेरी दादी माँ ने थोड़ा अलग टाइप से सोचा और उन्होंने सोचा कि अब तो उनकी जिंदगी का अंत आ गया है. सी सेड दैट शी इज ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज द चैप्टर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ. उन्हें लगा कि अब मेरी जिंदगी का अंतिम चैप्टर जो है वो बिल्कुल नजदीक आ गया है. सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर. इसीलिए उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करना बंद कर दिया. सी वॉज नॉट गेटिंग टू वेस्ट नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम लाइफ टाइम टू अस. इसीलिए अब वो अपनी लाइफ का बिल्कुल की भी समय बातों में बर्बाद नहीं करेगी. वी प्रोटेस्ट. हमने उस बात का विरोध किया कि नहीं अभी उनकी जिंदगी का लास्ट समय नहीं आया है. सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट. लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना को नकार दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं कहो हमारी जिंदगी का लास्ट समय आ गया है. सी ले प्लीज टू बी इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वे बिस्तर पर चुपचाप शांतिपूर्वक बैठी रही. वही मुँह से बुद्धा बुद्धा के जो ईश्वर की प्रार्थना करती रही और उंगलियों पे उनके माला चलता रहा. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट. हम कुछ सोच पाते हर लिप्स स्टॉप मूविंग. उनके होंठ चलना बंद हो गए. एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला जो थी वो गिर गई. द पीसफुल पलोवर स्प्रेड ऑन हर फेस. और बिल्कुल शांति उनके चेहरे पर छा गई. वी न्यू दैट शी वाज डेड. हम जान गए थे कि वो अब खत्म हो गई हैं. वी लिफ्टेड हर ऑफ एंड बेड. मैंने उनको बिस्तर से उतारा. एंड इट कस्टमली लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड. मैंने उनको नीचे उतारा और उनको कपड़े लाल कपड़े से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स मॉर्निंग काफ़ी देर रोने होने के बाद वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल. और थोड़ी देर बाद हमने अकेले ही उनको दफनाने का यानी दाह संस्कार करने का मैंने निश्चय अरेंजमेंट किया. इन द इवनिंग वी वेंट टू द हर रूम विद द टूट स्ट्रेचर टू टेक हर टू द सिमेटर. और शाम के समय हम गए उनकी वो डेड बॉडी को दफनाने. द सन वॉज सेटिंग. सूर्यास्त होने वाला था. सूर्यास्त होने वाला था. एंड सी हैड लिट हर रूम एंड बरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. वी स्टॉप्ड हाफ वे ऑफ द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द बरांदा एंड इन द रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड. थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो. देखिए थाउजेंड ऑफ द स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. अब वो हजारों चिड़ियाँ आई थी. देयर वर नो चिट वे सब चहचाह नहीं रही थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फ्रेस्ड सम ब्रेड फॉर देम. मेरी माँ उनको कुछ रोटियाँ डालती थी तो सब सॉरी करने आई थी.